राहुल, अभी क्योंकि इससे पहले ये उम्मीद थी एक अच्छी सी बारिश हो जाए तो इस पॉल्यूशन से राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो अब ये मांग उठ रही है कृत्रिम बारिश के जरिए इस पॉल्यूशन लेवल को कम किया जाए दिल्ली में। देखिए, इसके लिए एक प्रोसीजर होता है जो दिल्ली सरकार ने पहले भी इस बात का जिक्र किया था, जहां कृत्रिम बारिश पर जोर दिया जा रहा था कि अगर स्थिति ख़राब होगी तो उसके लिए भी एक प्लान ऑफ एक्शन होगा, लेकिन वो कब होगा ये देखने वाला विषय है। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं इसमें बनता है कि तमाम कोशिशें प्राथमिकता से की जाए। जिस सब्जेक्ट पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस चीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है। इस विषय को समझना और जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ये आने वाले समय में और स्थिति गंभीर ना हो, यानी उसको दुरुस्त किया जाए। और ये पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो सुबह से शाम, अगर हम रात जब भी घर से बाहर निकलते हैं, दो चार होना पड़ता है। तेज़ हवा तो है नहीं, रुकी हवा है जिसमें PM 2.5 है, PM 10 है, जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इनहेल हमको करना पड़ता है। हमको क्या, तमाम लोग जो घर से बाहर निकलते हैं रोज़मर्रा काम के लिए निकलते हैं, कोई अपनी मजदूरी करता है, कोई आम आदमी बाहर आता है, कोई घर से सब्जी लेने जाता है, मतलब कहने का यही है कि सीधे तौर पे हम आम आदमियों से जुड़ा ये वो सब्जेक्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। और कृत्रिम बारिश के राहुल, वक्त कम है, 30 सेकंड में यूसुफ को देना चाह रही हूँ। यूसुफ, नोएडा की जरा स्थिति 30 सेकंड में बताइए कि क्या है। हाँ जी बिल्कुल, कमोबेश वही हालात जो है पूरे दिल्ली NCR में बने हुए हैं। जिस तरीके से जो AQI लेबल है वो दिल्ली NCR के तमाम इलाकों में बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। हालांकि इसके लिए जो एडवाइजरी जारी की जा रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने अपने उसमें बताया था कि हमको खुद कदम उठाने होंगे, चाहे इसे रोकने के लिए, चाहे इसके बचाव के लिए। तो कहीं ना कहीं जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है। किसी एक के लिए नहीं है, सबकी सांसों पर यह सीधा सीधा वार है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।